जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई अब्दुल्ला कोई मुफ्ती की सरकार अब नहीं आएगी इस राज्य में। अब इस राज्य को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में पूरे देश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, जिसका पूरा वर्णन अभी रविंद्र जी ने आपके सामने रखे, उसी दिशा में अपने राज्य को आगे ले जाने वाली सरकार चाहिए। ऐसी सरकार बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और हमारे विरोधी का क्या हालत है, वो राज्य को आगे ले जाना नहीं चाहते हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि फिर से हम 370 पर ले जाएंगे, हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। हमने कहा कि भाई शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन चाहिए, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन चाहिए, महिलाओं को अधिकार चाहिए। एनसी कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है ये सब वापस कर देंगे, राज्य को फिर वापस ले जाएंगे, 2019 के पहले की स्थिति में ले जाएंगे। आप यहाँ के राज्यवासी हैं, आपको याद होगा एनसी वाले कभी भी सरकार में आते हैं आगे की बात नहीं करते हैं, कैसे पीछे ले जाना इसी की बात करते हैं। जब 370 मिला था तब कहते थे हम अकादमी पे चले जाएंगे, अब अकादमी तो मिला नहीं, 370 भी गई। अब कह रहे हैं कि 370 भी लाएंगे, एकेडमी लाएंगे। भाई एकेडमी की बात कब की है मालूम है आपको, 1953 की। जब शेख अब्दुल्ला एकेडमी एकेडमी बोलता था तो नेहरू उनको उठाकर जेल में डाल दिया। अब 70 साल बाद फिर से वही मंत्र का जाप कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती मैडम। राज्य को कहां ले जाना चाहते, पीछे ले जाना चाहते, हम ले जाने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता इस राज्य को अब आगे ही ले जाएगी। मोदी जी जो विकसित भारत की संकल्पना लिए हैं 2047 में 2047 में, उस 2047 के विकसित भारत की संकल्पना में आगे के 10 राज्यों में जम्मू कश्मीर रहेगा मित्रों।